गाइस गुड आफ्टरनून, कैसे हो सारे? होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। तो यार आज मैं ऑफिस नहीं गया, घर पे बहुत सारा काम था जिसकी वजह से मुझे ऑफिस से छुट्टी लेना पड़ा। तो सारा काम खत्म करके अभी घर से निकला हूँ। अभी शाम के बज रहे 4 एंड अपने स्कूटी पे कुछ काम कराना है, काम इन द सेंस इसको वॉश कराना है, थोड़ा बहुत स्टिकरिंग वगैरह कराना है। तो आपको दिखा देता हूँ स्कूटी का हालत कैसा है। सो गाइस यू कैन सी द कंडीशन ऑफ माई स्कूटी, कितना गंदा हो रखा है। एंड यहाँ पे स्टिकरिंग छूट रहा है तो ये वाला भी लगाना है। तो चलिए चलते हैं फटाफट से। ना एक दोस्त का दुकान है सुनाई रोड आउलिया पे, तो उसके दुकान पे जाके ये सब फिक्स करते। तो अभी मुझे रंगेराड़ी होके जाना पड़ेगा क्योंकि इधर से तो बहुत ज़्यादा जाम है भाई। उधर सामने से निकलते, सामने एक गली है, तो मुझे हैलागंदी रोड होके निकलना पड़ेगा बिकॉज उधर से थोड़ा मेडिसिन भी लेना है। एंड उसके बाद मैं नगाटिल्ला होके निकल जाऊँगा। ये एक छोटा सा गली है जो कि सुनाई रोड को हैलागंदी रोड से कनेक्ट करता है, बहुत ही छोटा गली है। इधर शायद से ऑटो भी नहीं पास होता होगा। एंड अंधेरा भी होने वाला है, तो अंधेरा होने के बाद वीडियो उतना अच्छा नहीं बनता, तो अंधेरा होने से पहले ही मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा। और गाइस मुझे वीकडेज पे घर पे रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, तो मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि आज संडे है एंड मैं अपने दोस्तों को फ़ोन भी करने वाला था, बाद में पता चला ये तो अपने अपने काम पे बिजी होंगे तो अकेला निकल गया। हमारे सिलचर पे कुछ दिनों तक बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम छाया हुआ था, अभी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, अभी उतना ठंड नहीं लगता। इस टाइम पे एक हफ्ता पहले मैं बिना ग्लव्स के चला भी नहीं सकता था, अभी बिना ग्लव्स के चला रहा हूँ, पतला सा स्वेटर लगा के, बैग में जैकेट रखा हुआ है, अगर जाते समय ठंड लगेगी तो लगा दूंगा। और ये वाला रोड पहले से काफ़ी अच्छा हो चुका है, तो अभी राइड करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। सिटी के अंदर ऐसा बड़ा रोड हमने पहले कभी देखा नहीं भैया। बाप रे बाप, कितना बड़ा गड्ढा। एंड अभी थोड़ी देर में मुझे यहाँ पे भी आना है कैंसर हॉस्पिटल पे, वहाँ पे मेरे एक रिलेटिव है, उनको देखना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आने वाला था पर लेट हो रहा है, इसकी वजह से मैं अपना स्कूटी का काम करा लेता हूँ, उसके बाद मैं आता हूँ कैंसर हॉस्पिटल पे। एंड गाइस शायद मैं अपना स्कूटी कुछ ही दिनों में सेल करने वाला हूँ, तो आप कह सकते हो कुछ ही दिनों का मेहमान। अगर सेल करूँगा तो कुछ नया आएगा, फिर भी हम नॉट श्योर, देखते हैं क्या होता है। एंड अभी मैं आया हूँ इनके दुकान पे, पर दुकान पे कोई दिख नहीं रहा मुझे, कोई भी नहीं है। तो उनका एक दूसरा दुकान है, उधर चलते हैं। ये वाला उनका दूसरा दुकान है, कार एक्सपोर्ट। तो गाइज अभी ये लोग वहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे वॉश करने का जगह नहीं है तो उधर जाके वॉश करेंगे एंड फिर इधर आके स्टिकरिंग कराएंगे। तो अभी अपनी स्कूटी पूरी साफ हो चुकी है, ये देखो कैसा अच्छा लग रहा है, पहले कैसा गंदा दिखता था। एंड अभी उस दुकान पे लेके जाना है, वहाँ पे थोड़ा बहुत स्टिकरिंग कराना है, ये वाला फिक्स करना है एंड इंडिकेटर के दोनों साइड पे स्टिकरिंग कराना है। पहले मैंने कर रखा था रेनबो शेड का जो स्टिकरिंग आता है वो कर रखा था, पर वो छूट गया, बहुत पुराना हो गया था तो मैंने उतार दिया, तो अभी फिर से कराते हैं। एंड शायद इसको भी उतारना पड़ेगा, अभी कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज शायद से ये स्कूटी जाने वाला है, देखते हैं क्या होता है। चलो पूरा अंदर लेके आ गया,
तो गाइस अपनी स्कूटी हो चुकी है पूरी परफेक्ट, नीचे का स्टिकर भी लग चुका है एंड साइड का रेनबो स्टिकर भी लगा दिया है, तो अभी अच्छा दिख रहा है दिन के टाइम पे, और भी अच्छा दिखता है जब सनलाइट पड़ता है। एंड गाइस कोई भी काम कराना हो शोएल भाई के दुकान पे विजिट करना, कार एक्सपर्ट इधर लिखा हुआ है। हेलो शोएल भाई। हाँ जी, तो बोलिए अपने बारे में कुछ। क्या बताऊँ आप लोगों को, कोई भी काम हो जैसे गाड़ी का कस्टमाइजेशन हो, कार का हो, बाइक का हो, कार का एक्सेसरीज, बाइक का एक्सेसरीज सब सारे मिल जाएंगे यहाँ पे। कोई भी किसी को बाइक रैप कराना है, कार रैप कराना है, फुल रैप हो जाएगा ना। और साहिल भाई का नाम बोलोगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। हाँ वो तो मिलना ही है। एंड ये सारे के सारे टीम मेंबर है। एंड गाइस कोई भी काम कराना हो आप जरूर विजिट करना कार एक्सपोर्ट पे, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको सब कुछ मिल जाएगा एंड मेरा नाम बोलने से और भी अच्छे डिस्काउंट मिल जाएंगे आपको। एंड शोएल भाई का एक यूट्यूब चैनल भी है, कार एक्सपोर्ट सिलचर, कार एक्सपोर्ट सिलचर, इस नाम को सर्च करके साथ में सिलचर लिख देना तो उनका चैनल आ जाएगा। तो उनके चैनल पे उनके बेहतरीन काम देखने को मिल जाएंगे आपको। एंड उसके बाद अगर आप सेटिस्फाइड हुए तो उनके पास जरूर आना, ये आपको सेटिस्फाइड करके देंगे। तो होप करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय गाइस। बाय बोल दो सारे, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना साहिल भाई के ब्लॉग्स को जरूर, और इनके चैनल को भी विजिट करना प्लीज़।